सो दिस इज़ आवर कैफेटेरिया। अभी बहुत ही ज़्यादा रश भरा हुआ है, आप देख लो, दिस इज़ आवर कैफेटेरिया। जी तो अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई आज हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा कि यूनिवर्सिटी किस तरह की है, उधर कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या भी होता है उधर भाई। तो आज हम उधर ही जा रहे हैं, वो देखें सामने दोस्त हैं, तो हम सभी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो भाई यूनिवर्सिटी जो है ना यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हमें बस में जाना पड़ता है। यहाँ से बस निकलती है, ये देखो स्कूल वैन है, तो 6 नंबर बस है भाई, इसमें बैठे हमने। तो वो एक मिनट, वो आप सामने देख लो, वहाँ से बस निकलती है। तो ये यहाँ पे बस आती है, तो अभी एक बस चली गई है। तो ये बस स्टॉप है, आप देख सकते हैं, और ये सामने कोई वाटर एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इधर जिम वगैरह बनी हुई है। तो हमने कभी ट्राई तो नहीं की ये जिम वगैरह, लेकिन हाँ लोग आते हैं इधर और जिम वगैरह करते हैं, लेकिन हम तो अपनी बस के इंतज़ार में खड़े हैं, काफ़ी लेट आती है। और आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है, बारिश का मौसम है, तो उम्मीद है बारिश होगी। ये एक बस आई है अभी, ये 205 नंबर है, इसमें भी हमें नहीं बैठना, हमें 6 नंबर बस का इंतज़ार है। तो वेल देखना ये है कि 6 नंबर बस अभी कब आती है। अभी हमारी बस आ चुकी है। तो भाई ये कार्ड होता है, ये मेरे साथ बाकी कार्ड इसको बोलते हैं, तो अभी इसको लगाना है हमने बस के अंदर जाने के लिए। तो अभी दिखा नहीं सकता, वीडियो अलाउ नहीं है। तो भाई अभी हम वहाँ से उतरे हैं, वो देख लो आप, वो जो बस स्टेशन है उधर से उतरे हैं। साथ साथ दो कुछ दो इर्मी बिर देगा। और अभी आंटी आई थी, इनको टाइम बताया, बोल रही थी टाइम क्या हुआ है, तो आजरी लैंग्वेज में अभी इनको टाइम बताया। तो अभी हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी में जाके मिलते हैं। तो अभी यार ये है हमारी यूनिवर्सिटी, तो मैं नीचे से टनल है उधर से आया था, तो ये आप देख सकते हो, ये उस तरफ है हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो दो लड़के खड़े हैं, वहाँ से एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। तरह का व्यू है यूनिवर्सिटी का नीचे से, तो ये आप देख लो, ये ना यूनिवर्सिटी का नाम है अज़रबैजान आर्ट्स एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, मादनियत व इंजा सनत यूनिवर्सिटी बोलते हैं इसको, तो ये इसका नाम है। तो ये यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा जब हमें ब्रेक होगी, ठीक है, अभी नहीं दिखाना। तो बाकी अभी मैं ऊपर अपनी क्लास में जा रहा हूँ, तो आपको क्लास दिखाता हूँ कि हमारी क्लास किस तरह की है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारी क्लास में, तो ए टू जेड आपको दिखाऊंगा भाई। तो ये हमारी क्लास है आपके सामने, ये वाली। अच्छा जी, मेरे सामने वाइट बोर्ड लगा और ये एक स्टूडेंट आया, तो मतलब सही है। तो अभी मैडम आ रही हैं हमारी, तो ये बाहर है देख सकते हो आप, तो इस तरफ से नीचे जाते हैं, फोर्थ फ्लोर पे है हमारी क्लास, ठीक है, फोर्थ फ्लोर है। तो वो सामने हमारी मैडम आ रही थी, तो अभी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और ये नीचे का व्यू है, नीचे से आप देख लो इस तरह की है यूनिवर्सिटी यहाँ से। अभी मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ और इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे ना 100 में से तकरीबन 90% लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो इनसे पूछते हैं आखिरी जो लड़कियाँ हैं वो किस तरह की होती हैं, तो चले इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। तो ये है जी हमारे दोस्त। हाँ जी भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। इधर खड़े हैं लड़कियाँ देख रहे हैं खड़े होके? ब्रेक हुई थी। अच्छा, कैंटीन पर आए थे।
अच्छा जी, मछलियाँ देख देख के वैसे भी थक गए। अच्छा, और ये नेमतुल्ला भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं। किस इलाके से भाई आप? के पी के से हैं भाई। कैसा लगा अज़रबैजान में आके एज अ स्टूडेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ना ही पूछे तो अच्छा ना ही पूछे तो अच्छा। और ये हमारे ताहिर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ताहिर भाई? ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है एज अ स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो भाई आप इनके क्यों क्या उसको कहते हैं, समझ ही गए होंगे कितना इनको अच्छा लग रहा है इधर पढ़ के। तो मार दिखा रहे क्या दिखाए इनको? बाकी इधर यार आप देख लो किस तरह की हैं लड़कियां लड़के। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। तो आपको कैफेटेरिया दिखाते हैं किस तरह का कैफेटेरिया। सो दिस इज़ आवर कैफेटेरिया। अभी बहुत ही ज़्यादा रश भरा हुआ है, आप देख लो। दिस इज़ आवर कैफेटेरिया और दिस इज़ आवर श्रीलंकन फ्रेंड। हेलो, हाउ आर यू? हेलो इंडियन फ्रेंड एंड और ये तो ये कैफेटेरिया है। इधर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं हमें खाने वगैरह के लिए। उधर से आपने अगर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है वहाँ से मिल जाएगी। तो अभी सिवाय हमारे इधर कोई भी नहीं बैठता। तो भाई अभी ये दो स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने। तो ये अभी आर्ट्स एंड कल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको सॉन्ग सुना के दिखाएँगे। ये जी, ये अब्बास हैं। Çimyanım bölçenin Yaşasın ceylan İçi göze görmez saçını Dizlenli boz sütlenin arasında Hiç olmayan renklerdeyim Taştan demirden insanlar şehrin küleği bezdirer zamanla. अभी मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें यार, आबाद रहें। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपने सफ़रनामा बाय तैयब जो यूट्यूब चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है। और मैं फिर आपके लिए इसी तरह का कंटेंट जो है वो बनाता रहूँगा। तो इस वक्त भाई मैं इधर सदरिक बाज़ार है जो इधर आ चुका हूँ। तो इंशाल्लाह सदरिक बाज़ार में ये जो अज़रबैजान का बाज़ार है इस पे भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि इधर क्या कुछ आप ले सकते हैं। मतलब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इधर दुकानें हैं, आपको प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा मैं। तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।